नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दही भल्ले की रेसिपी। तो इस वीडियो में मैंने दही भल्ला को ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ट और सॉफ्ट कैसे बनाएं पूरे ट्रिक्स बताए हैं। तो वीडियो को आप आखिरी तक देखें और हर एक टिप्स को फॉलो करें, आपके दही भल्ले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम सुपाच्य भी बनेंगे और बहुत ज़्यादा हल्के भी बनेंगे। बिल्कुल भी अंदर में पानी पानी सा नहीं आएगा, गांठें नहीं पड़ेंगी और एकदम सॉफ्ट से दही भल्ले आप बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कप उड़द की दाल और चौथाई कप मूंग की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगोया था, अच्छे से धो लिया था भिगोने से पहले। और जब ये अच्छे से भीग जाएगा तब इसका पूरा पानी निकाल देंगे। अब हमें दाल को ग्राइंड करना है, तो ग्राइंडर में हमने अदरक और हरी मिर्च डाला है थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दाल डालेंगे और 3 से 4 बार में हम दाल को एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी ऐड करना होगा फाइन पेस्ट बनाने के लिए। तो पेस्ट बिल्कुल इस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए, इसमें दाने नहीं होने चाहिए, तभी आपके भल्ले बिल्कुल स्मूथ से बनेंगे। तो इसके लिए ग्राइंडर के छोटे वाले ग्राइंडर जार को यूज करेंगे तो दाल आपका बहुत अच्छे से पीस जाएगा, क्योंकि उड़द का जो दाल होता है वो काफी चिपकता है पीसने के टाइम, तो छोटे ग्राइंडर में सही रहता है। तो दाल यहाँ पर हो चुका है। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है और 1/4 चम्मच हींग भी डाली थी, लेकिन हींग वाला वीडियो स्किप हो गया लगता है। तो इसे हम फेंटने के लिए हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक विस्कर आपके पास है तो इससे काम 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। हैंड विस्कर से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जब ये बिल्कुल क्वांटिटी में डबल हो जाए तब तक हमें फेंटना है। और दाल को चेक करने के लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा बैटर डालकर देखेंगे। ये बैटर बिल्कुल पानी में फ्लोट होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आप दाल डालेंगे वो ऊपर ही रह जाएगा, तो मतलब कि वो सही से फेंट चुका है। अब भल्लों को सोक करने के लिए हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है छाछ और इसमें डाली है 1/2 चम्मच नमक। और ये गाढ़ी दही जो हम ऊपर से पोर करते हैं उसके लिए है, इसे भी फेंट कर लिया है। इसमें 1/2 कप शक्कर, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच साधारण नमक डाला है। इसे भी मिक्स करके हम अभी साइड में रख देंगे। छाछ में सोक करने से भल्लों के अंदर पानी नहीं घुसता है और दही का टेस्ट आता है थोड़ा, तो बाद में वो भल्ला पानी पानी टाइप का नहीं लगेगा और आपको उसको निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब तेल को मीडियम गर्म करना है और भल्लों को इसमें फ्राई करना है। शुरू में फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखें, जब भल्ले पूरी तरह फूल जाएं तब थोड़ा सा आप फ्लेम बढ़ा सकते हैं। भल्ले जब फ्राई हो जाएंगे तो डबल हो जाएंगे साइज में और बिल्कुल स्मूथ भी हो जाएंगे। जब एक साइड से थोड़ा नीचे की तरफ से गोल्डन दिखने लगे तब इसे हम पलट देंगे। और दोनों ही तरफ से अच्छा गोल्डन होने के बाद हम इसे निकालेंगे। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से सिकेगा, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। बीच बीच में थोड़ा सा मीडियम से बढ़ा सकते हैं अगर लगे कि तेल ज़्यादा ठंडा हो गया है तो। और फ्राई होने के बाद निकाल कर हम तुरंत ही उसे छाछ में डाल देंगे। इस तरह से सारे भल्ले हम तैयार करेंगे और जितना बैटर मैंने बनाया है उससे करीब 50 से 55 तक भल्ले बन जाते हैं। छोटे साइज के भल्ले बनाए हैं मैंने। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 भल्लों को डाला है एक बाउल में। इसके ऊपर जो गाढ़ी दही हमने मिक्स करके रखी थी शक्कर और नमक के साथ वो डालेंगे। भल्लों के ऊपर दही डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जितना ज़्यादा दही आप डालेंगे भल्लों का स्वाद उतना अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हम खजूर इमली की मीठी चटनी डालेंगे। इसकी रेसिपी की लिंक मैं डाल दूंगी, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है। साथ ही हरी चटनी, भुने हुए जीरे का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक और बेसन की भुजिया डालेंगे। और ये लाजवाब सा दही भल्ला बनकर तैयार है। बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ दही भल्ला बना है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इस तरह से ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, ये गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी रेसिपी है, पेट को ठंडक पहुँचाती है और हर कोई इसे खाना पसंद करता है। जब हमें सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती है तो दही भल्ले बहुत काम आते हैं। तो आप गर्मी में इसे बनाकर रख सकते हैं। अगर रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।